आज मैं आपको SSM में ऑसिलेशन अटैच विथ स्प्रिंग बताने जा रहा हूँ। आपको किसी भी ऑब्जेक्ट का ऑसिलेशन जो स्प्रिंग से अटैच है किस तरह से उसके टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी को ज्ञात किया जाता है इस पर हम डिस्कशन करेंगे। इसके बाद आप ऑसिलेशन ऑफ एनी सैंपल पेंडुलम विथ रिस्पेक्ट टू एनी रिलेटिव डेंसिटी जिस पर पिछले वीडियो में भी डिस्कशन हुआ है उसके कुछ प्रॉब्लम्स बताएंगे। तो देखिए ऑसिलेशन अटैच विथ स्प्रिंग, मान लीजिए कि आप कोई स्प्रिंग लेते हैं जिसको वेटलेस के रूप में लिया जाए, अर्थात हम स्प्रिंग के वेट को यहाँ सम्मिलित नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर कोई वेट आप सम्मिलित नहीं कर रहे हैं तो कह सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो यहाँ पर जो है स्प्रिंग में जीरो होगा। इस पर कोई फोर्स आप शो नहीं करना चाहते हैं, कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हुआ है, लेकिन आप इस पर कोई वेट सस्पेंड करा दें तो इसमें जो नंबर आप ये चेंज या जिनको कड़ी कहते हैं ये बने हुए हैं जैसे 1, 2, 3, 4, 5 बने हुए हैं, इनमें जो है डिस्प्लेसमेंट होगा। तो 1, 2, 3, 4, 5 कोई डिस्प्लेसमेंट हमने इनमें दिखाया ड्यू टू अटैच वेट आइदर एनी वन इंड। तो मान लीजिए कि एक इंड इसका यहाँ पर जो है बाउंडेड किया गया है रिजिड सपोर्ट द्वारा और जो दूसरा फ्री इंड है उससे मास सस्पेंड कराया गया है और ये कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ है। वेट को आप शो कर सकते हैं mg, कोई डिस्प्लेसमेंट दिखाया गया है आप x शो कर दीजिए। इस तरह से देखें ये कोई डिस्प्लेसमेंट दिया गया है। तो आप कह सकते हैं कि स्प्रिंग की अपनी इलास्टिक बिहेवियर के कारण ये वेट का अपोज करेगा, कोई रिस्टोरिंग फोर्स होगा जो इसको अपनी फर्स्ट पोजीशन या इक्विलिब्रियम में लाने का प्रयास करेगा। तो जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा इसको सिंबल हम FR दे रहे हैं, तो रिस्टोरिंग फोर्स आप लिखते हैं इक्वल टू माइनस KX। K को आप जो शो करते हैं स्प्रिंग फैक्टर भी लिख सकते हैं या इसको कांस्टेंट यूज़ किया गया है फॉर फोर्स नेतांग जो आप प्रयोग कर रहे हैं स्प्रिंग बल नेतांग के लिए लिखे हैं। एक्स क्या है यहाँ पर विस्थापन है और FR यहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स है और लिखना हो RS रिस्टोरिंग फोर्स के लिए है। यहाँ से हम जो मास सस्पेंड कराए हैं उसके टर्म में ब्रेक करते हैं तो mα माइनस KX या अल्फा जो होगा KM इंटू एक्स। नेसेसरी कंडीशन फॉर SSM तो आप लिखते हैं ω² इंटू एक्स या ओमेगा का कोई मेजरमेंट आप ले लेते हैं KM। यहाँ से टाइम पीरियड आप सॉल्व करते हैं 2π/ω या 2π इसको रिवर्स करते हैं m/k। इसको लिखने का एक तरीका और भी होता है जैसे इसको इनर्शियल फैक्टर और इसको स्प्रिंग फैक्टर भी कहते हैं। तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए ब्लॉक अटैच विद स्प्रिंग का बोलते हैं 2π√ इनर्शियल फैक्टर अपॉन स्प्रिंग फैक्टर। तो अलग से आप ये नाम दे सकते हैं जैसे 2π इनर्शियल फैक्टर अपॉन यहाँ पर जो है स्प्रिंग फैक्टर। इस तरह से कोई आप नाम इसको दे सकते हैं, रिटर्न कराया गया है। कुछ प्रॉब्लम तो यहाँ पर होता है कि मास वगैरह दे दिया गया, स्प्रिंग कांस्टेंट आप निकालिए तो mg/x डिवाइड कर दीजिए, स्प्रिंग कांस्टेंट डिफाइन कर लिया जाता है या स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट। तो आपको कुछ प्रॉब्लम यहीं से मिल जाते हैं जैसे कि सॉल्व करना हो तो ये मॉड में होगा f/x या mg रिस्टोरिंग फोर्स ड्यू टू जो लिया गया है यहाँ पर ड्यू टू वेट, तो आप mg/x कर देते हैं के का मान सॉल्व हो जाता है। यूनिट वगैरह आप जानते ही हैं जैसे फोर्स है तो न्यूटन में है, ये डिस्प्लेसमेंट है मीटर में, या डायमेंशन वगैरह भी आप लिख सकते हैं mLt-2 अपॉन L को जीरो कर दीजिए, इसमें कांस्टेंट आप डिफाइन कर लेते हैं। टाइम पीरियड इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं, फ्रीक्वेंसी मेजर करना होता है तो आप ओमेगा को ब्रेक करते हैं 2π n
या जो लिखा हुआ है के बाई एम, यहाँ से फ्रीक्वेंसी भी आप मेजर कर सकते हैं 2 पाई के बाई एम, ये सॉल्व कर लिया गया। लेकिन कुछ प्रॉब्लम इसमें ऐसे ऐड किए जाते हैं, उनको आप ध्यान दीजिए। जैसे डिफरेंशियल फॉर्म वगैरह जो पहले भी आपको बताया गया है, यहाँ पर हम ये प्रॉब्लम दे रहे हैं किसी स्प्रिंग से 2 ब्लॉक अटैच कर दिए जाएं। जैसे ये स्प्रिंग है, इसे आप 2 ब्लॉक अटैच करते हैं, इस तरह से दिखाया जा रहा है। इनमें से ये फर्स्ट ब्लॉक कोई मान लीजिए M2 मान लीजिए इसको, और ये M1 ब्लॉक है। स्प्रिंग कांस्टेंट को केस वो कर रहे हैं, इन दोनों ब्लॉक के कारण कोई डिस्प्लेसमेंट होगा, उनको भी चाहे तो आप शो कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने M1 की ओर ब्लॉक सस्पेंड कराया है, तो उससे डिस्प्लेसमेंट X1 है M1 के कारण। लेकिन जैसे ही आपने M2 सस्पेंड कराया, डिस्प्लेसमेंट X2 ड्यू टू M2। जो टोटल डिस्प्लेसमेंट आपने दिखाया X1 प्लस X2 ड्यू टू टोटल मास आप कह रहे हैं M1 प्लस M2, इस तरह से ये नेट डिस्प्लेसमेंट आपने शो किया है स्प्रिंग में, जो दोनों मास के कारण संभव है। और इस पर कोई इफेक्टिव यहाँ से दिखा सकते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स है F, रिस्टोरिंग फोर्स जो शो किया जा रहा है, नेट रिस्टोरिंग फोर्स। ये नेट रिस्टोरिंग फोर्स है ड्यू टू मास M1 प्लस M2 दोनों के कारण लिया गया है। इनमें से कहा जाता है कि यदि M2 मास को आप रिप्लेस कर दें, M2 मास इज रिप्लेस्ड, कंडीशन है इफ M2 मास इज रिप्लेस्ड है, तो उसको अगर आप रिप्लेस करते हैं मास को, तो देखिए M2 को रिप्लेस करते समय M1 इनको बैक लाने का प्रयास करेगा, लेकिन जो M2 हटेगा तो M2 का प्रभाव X2, जो M2 के कारण ये डिस्प्लेसमेंट था वो समाप्त होगा, M1 के कारण X1 बना रहेगा। तो M2 मास इज रिप्लेस देन, आप जो डिस्प्लेसमेंट शो कर रहे हैं X2, तो F जो रिड्यूस हुआ, नेट में भी 2 पार्ट था, रिस्टोरिंग फोर्स में जो नेट लिखा है, नेट रिस्टोरिंग फोर्स, तो उसमें रिस्टोरिंग फोर्स ड्यू टू M1 ब्लॉक प्लस रिस्टोरिंग फोर्स ड्यू टू M2 ब्लॉक, इसको आपने हटाया है, तो ये हटाया है तो इसका आप लिख सकते हैं -K X2, और ये M2 को आपने रिप्लेस किया है। तो यहाँ से हम इसके मास को अगर ब्रेक करते हैं, तो M2G -K X2, X2 अगर आपको सॉल्व करना हो, X2 सॉल्व करना हो, तो M2G/K मॉड है, आप रख कर सॉल्व कर सकते हैं विस्थापन। तो यही पर ध्यान देना है कि आप जो विस्थापन ज्ञात करने जा रहे हैं वो किस मास से, आप M1G नहीं लिखेंगे, जिसको हटाएं उसी का डिस्प्लेसमेंट बैक हुआ है, अर्थात आप X2 सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके कोई डिस्प्लेसमेंट बता देंगे। लेकिन इस डिस्प्लेसमेंट को हटाने के बाद अब आपके पास जो बचा हुआ पार्ट है सामने है M1 का डिस्प्लेसमेंट X1, और नेट फोर्स में भी आप इसको हटा चुके हैं। अब नेट फोर्स M1 के कारण है जो उसको ऑसिलेट कराएगा, जब M1 के कारण ऑसिलेशन होगा तो यहाँ पर मास जो है M1 α -K X1, या अल्फा जो होगा K/M1 X1, नेसेसरी कंडीशन फॉर SSM जैसा आप रेट करते हैं रखकर यहाँ ओमेगा सॉल्व कर लेंगे, और जैसे ओमेगा सॉल्व होगा टी का कोई फैक्टर होगा आप रखकर निकाल लेंगे, जैसे M1 by K। तो
तो ये माना आपने सॉल्व कर लिया, ठीक है कोई मान आ गया। तो यही ध्यान देना है कि जब टाइम पीरियड निकालना हो तो जो ब्लॉक रिमेनिंग है बचा हुआ है वही ब्लॉक उसको ऑसिलेट कराता है, तो आप ये फैक्टर रख कर सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों को थोड़ा इजी तो होते हैं लेकिन ध्यान देना होता है कि आप क्या लिख रहे हैं और किस तरह से उनको रिजॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व कैसे कर रहे हैं, ये ध्यान देना होता है। हम इन पर डिस्कशन करें और भी आगे देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि स्प्रिंग में हम कमेशन की बात करें तो किस तरह से उसको आप सॉल्व करेंगे, कमेशन ऑफ स्प्रिंग या स्प्रिंग के सिंगल पार्ट को भी हम हॉरिजॉन्टल में रख कर दिखा दें, जैसे ये है, इस तरह से कोई ब्लॉक सस्पेंड करा दिया गया है, अब इसको ऑसिलेट कराया जा रहा है, इस तरह से इसको ऑसिलेट कराया जा रहा है, स्प्रिंग कांस्टेंट के ले लीजिए अप्लाइड फोर्स एफ है, तो आपको जो प्रोसेस इसमें बताया गया है टाइम पीरियड वैसे भी यहाँ पर वही आएगा, मास अगर आपने एम ही यूज़ किया है, एम अपान के फ्रिक्वेंसी भी वैसे ही सॉल्व होगी, 1/T, ओमेगा भी 2π है, डैट मीन्स स्प्रिंग को यहाँ पर कोई फ्रिक्शन का केस ना रखा जाए तो इनमें कोई चेंजेस नहीं होता है, फॉर्मूले वहीं रहेंगे, चाहे आप वर्टिकल में रखें या हॉरिजॉन्टल में रखें, नो एनी चेंजेस, उनमें कोई चेंजेस नहीं आता है, आप उनको ऐसा कर सकते हैं वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल में शो कर सकते हैं, चाहे तो आप इनको ऐसे भी दिखा सकते हैं, स्प्रिंग की पोजीशन को ऐसे भी दिखा सकते हैं, जैसे ये कोई ब्लॉक है, एलिवेशन किसी पर रख कर दिखाया गया है ऐसे है और इसे ऑसिलेट कराया जा रहा है, यहाँ पर कोई फोर्स वगैरह आप दिखा सकते हैं, वेट mg, साइन थीटा, यहाँ पर mg, एलिवेशन थीटा है, नॉर्मल फोर्स m है, स्प्रिंग कांस्टेंट के है, यहाँ से कोई रिजिड सपोर्ट है जो आप यहाँ दिखा रहे हैं सपोर्ट है, तो इस केसेस में भी जो आप सॉल्व करेंगे केवल ये लिखा जाता है t = 2π m/k, एलिवेशन का यहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स की तरह से केवल यूज किया जाता है या फिर -, क्योंकि इसका जो पोजीशन होगा इधर रिस्टोरिंग फोर्स होगा और हुक्स लॉ रिस्टोरिंग फोर्स को ही लेकर सॉल्व करता है, -k उसमें सॉल्व करेंगे यहीं आ जाएगा, इसका कोई इफेक्ट नहीं दिखाया जाएगा, ऑसिलेशन इस पर ये शो करेगा। तो आपने देखा 3 अलग अलग फिगर दिए गए लेकिन सॉल्व के प्रोसेस वहीं रखे गए हैं, आप उनको ऐसे ही सॉल्व करेंगे। कभी कभी स्प्रिंग के कम्बिनेशन की बात होती है, कम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, जैसे सीरीज कम्बिनेशन की बात हो रही हो या पैरेलल कम्बिनेशन की, तो सीरीज कम्बिनेशन में क्या पॉइंट दिया जाता है उसको आप देख सकते हैं, इसमें कहा जाता है कि जो ब्लॉक अटैच होगा एट एनी वन एंड, जैसे ये देखें तो ब्लॉक अटैच ओनली वन स्प्रिंग एट लास्ट पोजीशन, तो जितने भी आप स्प्रिंग लेंगे चाहे वो सिमिलर हो या फिर सिमिलर हो, ब्लॉक को सीरीज में अगर दिखाया गया है तो केवल एक स्प्रिंग से अटैच होता है, आप इसको वेटलेस लेकर चल रहे हैं तो इसमें वेट का इफेक्ट इसका भी नहीं इसका भी, डायरेक्ट जो वेट है वो केवल ब्लॉक का दिखाया गया है, स्प्रिंग का नेचर अलग अलग लिया जा रहा है इसलिए K1 K2 अलग अलग फैक्टर ही दिखाए जा रहे हैं, नेचर आप स्प्रिंग का देख रहे हो, तो हम कह सकते हैं कि अगर इनमें कोई मास नहीं है तो जो इफेक्ट इस पर होगा वही इफेक्ट इस पर हो जाएगा, अर्थात आप कह सकते हैं कि जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो इक्वल आप दिखा सकते हैं दोनों स्प्रिंग के लिए, लेकिन आप जो ये पॉइंट लिखते हैं -kx, तो यहाँ पर ये शो करता है कि अगर आप फोर्स को नहीं चेंज करते हैं और K1 K2 अलग लिख रहे हैं, जैसा कि आपने यहाँ K1 लिखा, फोर्स को आप नहीं चेंज करेंगे
तो ऐसा तभी हो पाएगा जब आप एक्स को चेंज कर दें ताकि इनका प्रोडक्ट इसके इक्वल आ जाए। हम अगर इनको चेंज कर रहे हैं तो इसका मतलब इसमें डिस्प्लेसमेंट कुछ और लेना चाहते हैं, यहाँ पर कुछ और होगा। तो फार सीरीज कॉम्बिनेशन जो वेरिएबल है उसी को आप सॉल्व करके ऐड भी करते हैं। तो नेट डिस्प्लेसमेंट फार सीरीज कॉम्बिनेशन तो नेट डिस्प्लेसमेंट फार सीरीज कॉम्बिनेशन ये आपको दिया जा रहा है। तो इसको कैसे करेंगे देख सकते हैं। तो नेट डिस्प्लेसमेंट के लिए ऐड कर दीजिए, जैसे एक्स इक्वल टू एक्स वन प्लस एक्स टू आपने ऐड कर दिया, एक्स को रख सकते हैं, हुक्स लॉ आपने रीड किया है, यहाँ पर माइनस एफ बाई के ये कंबाइंड स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट होगा, या यहाँ पर एफ बाई के वन या एफ बाई के टू, एफ को रिप्लेस कर दीजिए तो के का कॉम्बिनेशन आप सीरीज में के वन के टू अपॉन के वन प्लस के टू प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ से ये सॉल्व हो जाता है। तो जो टाइम पीरियड होगा वो टू पाई एम अपॉन के एस, सीरीज कॉम्बिनेशन में डायरेक्ट कर आप सॉल्व कर सकते हैं। हम सीरीज के अलावा पैरेलल की बात करते हैं तो देखिए इसमें छोटे क्वेश्चनों को ऐसे ध्यान देना चाहिए। सीरीज कॉम्बिनेशन में डिस्प्लेसमेंट आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट भी आप सेम लेते हैं तो डिस्प्लेसमेंट भी फिर इक्वली दिखाया जाता है, लेकिन फोर्सेज आर इज स्प्रिंग आर इक्वल। इस सेंटेंस को कहते समय आपको हमेशा ध्यान देना है कि स्प्रिंग का मास आपने नहीं कंसिडर किया है, तो ये फॉर्मूला इस रूप में लिया गया है। सीरीज के बाद अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, सीरीज के बाद पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात होती है तो पैरेलल में देखिए ये कंडीशन बनाया जा सकता है इस तरह से। यहाँ से भी ली जा सकती है, देखिए शो किया जा सकता है, ये स्प्रिंग कांस्टेंट को मान लीजिए कि ये K1 है, यहाँ पर आप K2 ले सकते हैं, वेट को आप यहाँ MG शो कर दीजिए। वैसे पैरेलल कॉम्बिनेशन के अलग अलग कई फैक्टर दिखाए जाते हैं, उसको भी आप ध्यान दे सकते हैं। जैसे हम पैरेलल में ये भी शो करते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पर कोई ब्लॉक है, अब अदर पार्ट में फिर स्प्रिंग अटैच कर दीजिए। ये क्या पहचान है कि जितने भी स्प्रिंग होंगे ब्लॉक के साथ उनका एक पॉइंट जरूर अटैच होता है, वो पहले कॉम्बिनेशन होगा। यहाँ पर भी दोनों अटैच हैं ब्लॉक से, यहाँ पर भी दोनों ब्लॉक से अटैच हैं, तो ये पहला कॉम्बिनेशन कहा जाता है। इनमें टाइम पीरियड जब आप सॉल्व करेंगे तो पैरेलल में कहा गया है कि जब भी आप इनको पुल करेंगे या पुश करेंगे डिस्प्लेसमेंट आपको इक्वल दिखाना होगा। जैसे इसको नीचे खींचेंगे तो जितना दबेगा उतना ही ये विस्थापित होगा, या इसको कंप्रेस करेंगे तो जितना ये कंप्रेस होगा उतना ही ये स्ट्रेस हो जाएगा। दैट मीन्स फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल फॉर ईच स्प्रिंग, तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो सभी स्प्रिंग के लिए इक्वल होगा, बट फोर्सेज आर डिफरेंट अकॉर्डिंग टू स्प्रिंग कॉन्स्टेंट। तो ये आपकी मैथमेटिकल समस्या यहाँ पर होगी कि अगर हम डिस्प्लेसमेंट को कॉन्स्टेंट कह रहे हैं, स्प्रिंग कॉन्स्टेंट अलग ले रहे हैं, तो निश्चित रूप से फोर्स को हमें अलग दिखाना होगा ताकि ये बैलेंस कर सके। जिस चीज़ को आप डिवाइड करते हैं उसी को फिर आप सम भी करते हैं। इसका सेंस हुआ कि आप यहाँ पर जो है नेट फोर्स को कंबाइन कर देंगे, नेट फोर्स ऑन ईच स्प्रिंग, और फिर वहीं जैसे आपको रीड कराया गया था डिस्प्लेसमेंट इक्वल है, स्प्रिंग कांस्टेंट अलग अलग है, तो के जो है आपने पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए सॉल्व कर लिया K1 प्लस K2, यहाँ के पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए यूज किया गया है।
अर्थात जो आपका फॉर्मूला होगा आपकी बार 2 पाई अंडर रूट एम अपान के पी को किया जाएगा पैरेलल कंप्रेशन के लिए। या यहाँ भी सिंबल दे सकते हैं टाइम पीरियड फॉर आइसोलेशन इन पैरेलल कंबिनेशन। इससे पहले आपने दिया था टाइम पीरियड फॉर आइसोलेशन इन सीरीज कंबिनेशन, तो फॉर्मूले को ऐसे लिख कर यहाँ पर केएस कर दीजिए। केएस के सॉल्व करने का प्रोसेस अभी आपने देखा K1 K2 अपान K1 प्लस K2 है, लेकिन यहाँ पर KP में अभी आपने देखा K1 प्लस K2 है। तो इस तरह से हम स्प्रिंग वाले केसेस को समझाए हैं। उम्मीद है कि इस तरह के टॉपिक आपको आता है। हमारा प्योर ये कॉमन इंट्रोडक्शन है जो आपको बता दिया गया। स्प्रिंग में कुछ प्रॉब्लम इस तरह से भी रहता है, जैसे कि मास को कंसीडर किया जाए तो सपोज मास ऑफ स्प्रिंग इज कंसीडर, तो यहाँ हम प्रूफ तो नहीं देंगे, लेकिन जो फॉर्मूले आएंगे वो आप जरूर ध्यान दें। ये है मास ऑफ ब्लॉक, कैपिटल एम लिखते रहें, वेट के रूप में mg, और मास ऑफ स्प्रिंग स्मॉल एम दे रहे हैं, ये स्प्रिंग का द्रव्यमान है। तो ऐसे में जब आप सॉल्व करेंगे तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी लेना होता है उसको, और फोर्स कांस्टेंट लेकर 2 इक्वेशंस बना लीजिए। सॉल्व करने पर टाइम पीरियड का जो मान आता है 2π अंडर रूट मास ऑफ ब्लॉक प्लस m/3 अपान स्प्रिंग कांस्टेंट, तो ये रीजन आपको दे दिया जाता है। और ध्यान रखिएगा ये टाइम पीरियड मेजरमेंट व्हेन मास ऑफ स्प्रिंग इज कंसीडर, जब हम स्प्रिंग के द्रव्यमान को कंसीडर किया जाता है। यहाँ पहले कर रहे हैं मास ऑफ स्प्रिंग इज कंसीडर, इस तरह से हेल्प कर दिया गया। तो टाइम पीरियड आपने देखा, ये प्राप्त हो गया। हम आगे बढ़ते हैं। स्प्रिंग के केसेस में रिड्यूस मास या उसका भी फैक्टर आता है टाइम पीरियड इन टर्म्स ऑफ रिड्यूस मास। रिड्यूस मास तो इस पर डिस्कशन होता है, तो कंबाइंड इफेक्ट ऑफ टू मास अटैच विद अ सिंगल स्प्रिंग। तो हम एक ऐसे स्प्रिंग को लेते हैं जिससे दोनों एंड में स्प्रिंग के दोनों एंड में सिमिलर या डिसिमिलर मास को कंबाइन कर दिया जाता है, और फिर जैसे मान लीजिए इसका मास m1 है, इसका मास यहाँ पर m2 है, स्प्रिंग कांस्टेंट को हम k कर रहे हैं। आप या दोनों को यहाँ से पुल कर लीजिए या पुश कर लीजिए। तो इस तरह से अगर आप पुल करते हैं या पुश करते हैं इसके बाद छोड़ दीजिए, तो यहाँ पर जो कंबाइंड आइसोलेशन फॉर बोथ ब्लॉक जो होगा 2π अंडर रूट μk, तो म्यू को आप रिड्यूस मास कोफिशिएंट के रूप में दे सकते हैं, जिसको आप कहते हैं m1 m2 upon m1 plus m2। इस तरह से आप इनको रख कर ये सॉल्व कर दें तो कंबाइन जो है टाइम पीरियड प्राप्त हो जाता है दोनों ब्लॉक के लिए। इसका हम कोई और पार्ट भी लें, जैसे देख सकते हैं कोई कॉमन सेंटर पर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, H और S ये आइसोलेट कराए जा रहे हैं इस तरह से, तो इनका भी हम रिड्यूस मास लेकर टाइम पीरियड लिख सकते हैं। तो T=2π अंडर रूट म्यू अपॉन के, तो यहाँ पर जो है के का फैक्टर अलग होगा। इस तरह के पार्ट को सॉल्व करने के लिए स्प्रिंग कांस्टेंट के बजाय हम यहाँ पर जैसे पहले भी लिखे थे इनर्शियल फैक्टर और स्प्रिंग फैक्टर, तो यहाँ कह सकते हैं स्प्रिंग फैक्टर। अब स्प्रिंग फैक्टर में हमें जहाँ पर जो आवश्यकता हो के नहीं है तो उसको हटा कर हम F/x भी कर सकते हैं।
तो एफ का एफ एक्स जो होगा यहाँ रख देंगे, एक्स यहाँ पर दिया होगा वो रख कर सॉल्व कर लिया जाएगा। तो ऑक्सीजन का भी हो सकता है, हाइड्रोजन का भी हो सकता है, हम रख कर इसको सॉल्व कर सकते हैं। कुछ प्रॉब्लम इस तरह से दिए जाते हैं, जैसे स्प्रिंग को कट किया जा रहा है एक और भागों में। इस मान लीजिए कि कोई स्प्रिंग है, यहाँ पर फिर से हम मासलेस ले रहे हैं और इससे कोई ब्लॉक सस्पेंड करा दिया गया, जैसे इसका वेट एम जी, स्प्रिंग कांस्टेंट आपने लिखा और टाइम पीरियड इसका सॉल्व कर लिया एम बाई के। लेकिन अगर कहा जा रहा है कि स्प्रिंग कट इनटू एन इक्वल आइडेंटिकल पार्ट्स, ऐसे स्प्रिंग को एन पार्टों में इस तरह से इक्वल कट करके और सेम मास इज सस्पेंडेड, जिस ब्लॉक को लिया जा रहा था उसी ब्लॉक को सस्पेंड कराया जा रहा है, सेम मास इज सस्पेंडेड, देन न्यू टाइम पीरियड। तो कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान रखिए, इसका अगर हम एन पार्ट किए हैं और सेम मास सस्पेंड कराया गया है तो सेम फोर्स की बात हो रही है, यहाँ पर फोर्स सेम है, मास सेम रखा गया है, यहाँ पर के एक्स की जो वही वैल्यू है कांस्टेंट कही जा रही है, यहाँ पर कांस्टेंट रखी जा रही है। तो आप कह सकते हैं कि के डैश, अब यहाँ डिस्प्लेसमेंट एक डैश मान लीजिए इक्वल टू माइनस कट जाएगा के इंटू एक्स, जो कि पहली कंडीशन में के और डिस्प्लेसमेंट कितनी दी गई है, एक्स दी गई है, तो इसको आप ले सकते हैं। पहले ये देखा जाएगा कि कितने पार्ट आपने डिवाइड किया है। अगर स्प्रिंग को एन पार्ट में किया है, जैसा कि अभी हमने कहा, इफ स्प्रिंग कट इनटू एन पार्ट्स या आइडेंटिकल पार्ट्स, यहाँ पर एन आइडेंटिकल पार्ट्स, तो आप यहाँ पर जो है एक्स डैश को एक्स बाई एन लिखेंगे, जितने पार्ट करेंगे उतने ही पार्ट ये डिवाइड हो जाएगा, फिर आप एक्स को कैंसिल कर दीजिए तो के डैश का मान एन इंटू के इक्वल आ गया। जैसे हम एग्जांपल दें कि स्प्रिंग को टू पार्ट में कट कर दिया गया है, तो के डैश की वैल्यू आप टू के लिख दीजिए, थ्री पार्ट में कट किया गया है तो के डैश इक्वल टू थ्री के लिख दीजिए। यहाँ पर टाइम पीरियड जो न्यू आप लिखेंगे टी डैश टू पाई अंडर रूट एम अपॉन के डैश को जैसे लिखे हैं वहाँ पर रख दीजिए, जो के डैश का मान होगा एन इंटू के, एन अलग कर दीजिए, बाकी आप तुलना करेंगे तो ये पहले वाले टाइम पीरियड को लिखा गया है, तो टी डैश का मान टी अपॉन रूट एम या के का मान आपने यहाँ पर लिखा है। फ्रिक्वेंसी में आप कहेंगे तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं रूट एन एम टू टी अपान में ले आएंगे रिवर्स करके तो ये कंडीशन प्राप्त हो जाएगी। जितने पार्ट दिए जाएंगे उस हिसाब से आप यहाँ एन का यूज करके टू कहा जाएगा टू रखिएगा, थ्री कहा जाएगा थ्री रखिएगा, फोर कहा जाएगा फोर रखिएगा, उनकी वैल्यू प्राप्त हो जाती है। तो स्प्रिंग वाले केसेस जो हैं अभी भी हैं, इन पर ही रिलेटिव मोशन का मीडियम का इफेक्ट दिखाया जाता है, किसी मीडियम में रखें तो क्या प्रभाव होगा, तो इफेक्टिव उसमें जो चेंजेस होता है रखकर सॉल्व किया जाता है। अब हम डिस्कशन करते हैं, जैसे कि स्प्रिंग का भी हो गया और सिंपल पेंडुलम का भी बताया गया था, इफेक्ट ऑफ मीडियम आपको लिखकर दिखाया गया था, किसी सिलेंडर के केसेस या यूट्यूब में वाटर को आइसोलेट कराया जाए, तो सबके इक्वल कंडीशंस थे। जैसे हम कहते हैं कि किसी ब्लॉक को लिक्विड में थोड़ा सा इमर्स करके डिस्प्लेस करके इसको आइसोलेट कराया जाए, ऐसे वर्टिकल ये आइसोलेट कराया जा रहा है, ये लिक्विड की डेंसिटी है और डेंसिटी आप सॉलिड, तो कहा गया कि जो आपने रेट किया है टाइम पीरियड के लिए फार्मूला उसको याद रखें, चाहे इसको एल के रूप में या किसी और पार्ट के रूप में, जो इसकी हाइट है
ऐसी आयल याद कर सकते हैं। और यहाँ पर डेंसिटी जो है सॉलिड या फॉर्म लिक्विड, इतना और याद कर लीजिए तो टाइम पीरियड भी याद कर सकते हैं। इसका कोई मैक्सिमम हाइट या लेंथ दिया हो आप यहाँ रख सकते हैं, या जिस लेंथ के लिए आइसोलेट कराया जा रहा हो, जैसे इसका ये मैक्सिमम लेंथ है हमने यूज कर लिया। लेकिन इसी को किसी और पार्ट में भी दिखाना हो तो आपके पास उपाय है, एम पान ए रो जी। अगर आप मास को ब्रेक नहीं करते हैं तो उसमें ये सॉलिड की डेंसिटी नहीं आएगी, लिक्विड की ऑलरेडी है, जी है, क्रॉस सेक्शन एरिया आ जाएगा इसमें, क्योंकि दो पार्ट आप इसी को ब्रेक करके लिखते हैं, मास को क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ इंटू डेंसिटी, एरिया कैंसिल हो जाता है, एल आप डेंसिटी यहाँ शो कर रहे हैं, नया फॉर्मूला बन जाता है। तो यही पॉइंट आपको ध्यान देना होगा कि हम जो आप लिख किए हैं उनको याद रखें और ये डेंसिटी का फैक्टर ले लें तो आसानी से ज्ञात हो जाता है। इसी तरह से यूट्यूब के नली बनाकर उस पर डिस्कशन किया जाता है, जैसे यूट्यूब का कोई ये नली बना दिया गया, इस तरह से ड्रा कर दिया गया ऐसे, और इसमें कोई वाटर कॉलम भरा हुआ है, इसको आइसोलेट कराया जा रहा है। तो कहा गया कि जितना आप इसको डिस्प्लेस कराएंगे डाउनवर्ड ऐसे यहाँ तक, उसकी हाइट जो है आप वाटर कॉलम का उतना ही ऊपर दिखा सकते हैं, जितना इसको नीचे आप ला रहे हैं उतना ही पार्ट ऊपर दिखा कर सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जो रियल इसकी हाइट थी वाटर की, वो रियल हाइट अगर आपको दी जाए ऐसे, तो यहाँ से हम टोटल वेथ इसी का निकालते हैं जिसको आप आइसोलेट करा रहे हैं, तो जो अपथ्रस्ट का प्रभाव है इधर से दबाइए तो ये टोटल वेट पर पड़ेगा, या इधर से आप दबाइए तो ये टोटल वेट डिस्प्लेस होती है। अर्थात आप कह सकते हैं कि जो अपथ्रस्ट है यहाँ पर माइनस वी रो जी, रो जो है डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, यहाँ पर वी टोटल इसकी वॉल्यूम है जो आइसोलेट कराई जा रही है, यहाँ पर मास से एम अल्फा वी रो जी, या अल्फा आप सॉल्व करेंगे तो वी रो अपान मास, या यहाँ से वी रो जी अपान मास। लेकिन हम लोग एक डिस्प्लेसमेंट की पोजीशन अलग कर लेते हैं कि कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस किया गया, वी इज द वॉल्यूम डिस्प्लेस बाय द एनी सेक्शन विच कैन आइसोलेट, तो जो डिस्प्लेस किया गया है वो वॉल्यूम यहाँ पर यूज होता है, टोटल नहीं होगा, टोटल वॉल्यूम यहाँ पर रहता है। तो यहाँ से हम वॉल्यूम को अगर ब्रेक करते हैं तो क्रॉस सेक्शन एरिया इसका जितना होगा यूज करते हैं, और जितना डिस्प्लेस हुआ है उसको हम लोग रीड कर लेते हैं, मान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट वाई हुआ है। इस तरह से ध्यान रखिएगा कि उपलब्ध बल जो होता है हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है, तो जो वाटर हटाया गया है उसके वेट पर, लेकिन ये जो लिखा हुआ है टोटल वेट के लिए लिखा है मास, तो आपने इसमें ओमेगा स्क्वायर याद कर लिया, ओमेगा का मान आपके पास आ गया। अगर आप टाइम पीरियड वगैरह सॉल्व करते हैं तो 2 पाई बाई ओमेगा या 2 पाई अंडर रूट एम अपान ए रो जी। ऐसे में जब आप वाटर को ही आइसोलेट कराते हैं तो मास को ब्रेक करने पर वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो निश्चित रूप से रो कैंसिल हो जाता है, सेम है क्योंकि वाटर ही है, वाटर ही डिस्प्लेस हुआ है, वाटर ही आइसोलेट कर रहा है। या फिर हम इसमें कोई हाइट आपको दे दें इस में जो शो किया गया है कि ये एच हाइट है, तो ए इंटू एच अपान ए रोजी, ये भी कैंसिल हो जाएगा, टाइम पीरियड का एक कॉमन फॉर्मूला आ गया एच अपान रो। और देखिए कैसे उठ रहा है जी, रो तो कैंसिल है एच अपान जी, रो कैंसिल है यहाँ एच अपान जी, तो इस तरह से फिर वही आ गया 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, क्योंकि रिलेटिव डेंसिटी का प्रभाव समाप्त हो गया, यहाँ भी वाटर था यहाँ भी वाटर था, जो आइसोलेट कर रहा है वो भी वाटर है और जो अपथ्रस्ट दे रहा है वो भी वाटर है। तो कॉमन फॉर्मूले को अगर हम याद करें तो कई जगह वो हेल्प मिलता है, उसका यूज कर सकते हैं। ऑसिलेशन में ग्रेविटी का इफेक्ट डिस्कशन हुआ ही है,
या रिलेटिव मोशन का भी बताया गया था। अब आप अगर बैक आते हैं तो यहाँ से देख सकते हैं, ऐसे कहा गया था आसलेशन पर जब डिस्कशन हो रहा था तो आपको दिया गया था फ्री आसलेशन, फ्री आसलेशन इस तरह से डिस्कशन हुआ, या बताया गया था डैम्प आसलेशन, डैम्प आसलेशन या डिस्कशन हुआ है फोर्स्ड आसलेशन, इस तरह से आगे रिटर्न किया जाता है। आप चाहें तो यहाँ पर मेंटेन्ड आसलेशन भी, मेंटेन आसलेशन का अध्ययन कर सकते हैं, मेंटेन्ड आसलेशन। तो इसको मुक्त दोलन, अवमंदित दोलन, प्रणोदित दोलन और पोषित दोलन या कंपन ये नाम लिए जा रहे हैं। तो आपने फ्री आइसोलेशन के कंडीशंस देखे हैं और उनका भी अध्ययन आपने किया। हम डिस्कशन जैसे करते हैं डैम्प आइसोलेशन या अवमंदित दोलन, अवमंदित दोलन या डैम्प आइसोलेशन, इस पर कोई डिस्कशन होता है तो आप देख सकते हैं अवमंदित दोलन या डैम्प आइसोलेशन, डैम्प आइसोलेशन, अवमंदित दोलन या डैम्प आइसोलेशन, इस पर कोई डिस्कशन हो सकता है। तो यहाँ से हम डैम्पिंग का कारण भी लिखते हैं, फ्रिक्शन। जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट को ऑसिलेट कराते हैं तो उस पर जो है एयर का विस्कस फोर्स का या कोई और फ्रिक्शन है उसका इफेक्ट होता है और वो उसके मोशन का अपोज करता है। जैसे इसको ऑसिलेट कराएं तो ये रुक जाता है क्योंकि एयर इसका या यहाँ रिजिस्ट सपोर्ट इसके मोशन का अपोज करता है। तो कोई भी आसलेशन परफेक्ट फ्री आसलेशन नहीं होता है। हम लोग कुछ कंपन को फ्री आसलेशन की तरह मानकर पढ़ लेते हैं। तो डैम्प आसलेशन में जो एम्पलीट्यूड है आसलेशन का वो लगातार डिक्रीज होता रहता है। तो वो कह सकते हैं कि ड्यू टू फ्रिक्शन कार्ज ऑफ फ्रिक्शन और इलास्टिक रिड्यूस होती है। ऐसे हम ये दिखाते हैं, इस तरह से मान लीजिए ये डैम्प हो गया तो कॉन्टिन्यू इसका एम्पलीट्यूड जो है डिक्रीज होते हुए डैम्प हुआ है। या आपने इसमें कोई फैक्टर शो किया जो यहाँ पर डिक्रीज हो गया, इक्वल टू ए नॉट। जैसे इसकी मैक्सिमम जो है एम्पलीट्यूड ए नॉट मान लीजिए, इसको आप ए वन ले सकते हैं, ए टू कॉन्टिन्यू रिड्यूस हो रहा है, ए थ्री, ए फोर, ए एन, ऐसे रिड्यूस होकर जीरो हुआ है। अब यहाँ से हम एक्सपोनेंशियल जो रिड्यूस फैक्टर है चाहे यहाँ पर गामा का नाम दे दें या बी कोई भी नाम देकर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। प्राय हम गामा को बी बाई टू एम से भी लिखते हैं, बैलेंस कर लिया जाता है। तो अवमंदित दोलन में क्या बताया गया, थ्योरेटिकल है। पीजीटी में तो ये कोई विशेष टॉपिक अलग से नहीं है थ्योरी के अलावा, पीजीटी में जरूर इसका डिस्कशन है कि हम डिटेल अध्ययन करते हैं कि क्या है कैसे है। पीजीटी में ये कहा जाएगा कि अवमंदन का कारण क्या है तो आप बताएंगे फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन किसको चेंज करता है तो विलास्टी को रिड्यूस करता है। तो कह सकते हैं कि जो डैम्पिंग है डैम्पिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव विलास्टी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिव एसएसएम। तो जो पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है उसके नेगेटिव विलास्टी के प्रोपोर्शनल होता है। तो इस केस में आप देख सकते हैं कि पहले भी नेगेटिव आपने रिस्टोरिंग का लिया था नेगेटिव, अभी आपने नेगेटिव जो है यहाँ पर विलास्टिक फ्रिक्शन का भी ले लिया, जिसमें अभी फ्रिक्शन का केस बताया गया। इसको आप लिखते हैं रिस्टोरिंग को माइनस के एस, इसी तरह से फ्रिक्शन को आप नोट करते हैं माइनस बी इंटू बी। तो
तो जो नेट फोर्स फॉर डैम्पिंग आप यूज कर रहे हैं अवमंदन के लिए, जो आप यूज कर रहा है नेट फोर्स फॉर डैम्पिंग, तो माइनस बी इंटू वी या माइनस के एस, यहाँ से एम अल्फा को आप लिख सकते हैं डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर, माइनस बी बी को लिख सकते हैं डी एक्स बाई डी टी, चाहे आप एक्स लिखें वाई लिखें अंदर है तो थीटा भी लिख सकते हैं, माइनस के एक्स आप ट्रांसफर कर लें इधर मास से भी डिवाइड कर लें, तो आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त हो जाता है डैम्पिंग का, डी टू एक्स अपान डी टी स्क्वायर प्लस ट्रांसफर भी कर दे रहे हैं बी बाय एम डी एक्स बाई डी टी प्लस के बाई एम इंटू एक्स इक्वल टू जीरो, इसको किया जाता है ऐसे। इसमें हम यहाँ पर टू का प्रयोग किए हैं, तो ये कैलकुलेशन की सुविधा के लिए, बाकी आपके डिफरेंशियल फॉर्म में टू आता नहीं है, क्योंकि जब हम लोग रूट वगैरह लेकर अलग अलग एम्पलीट्यूड सॉल्व करते हैं तो उसमें टू एम लेने पर वो रिजॉल्व हो जाता है फैक्टर, एम लेने पर सॉल्व नहीं होता है। तो यहाँ ध्यान देना होगा कि ये डिफरेंट है दोनों में, और यहाँ पर रीजन दिया गया है। बहुत सारी प्रॉब्लम इस पर कोई आपके लिए है नहीं कि जैसे इसका टाइम पीरियड क्या है, हम इसको पीजीटी के लिए डिस्कशन करेंगे कि हम कैसे इसका टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी वगैरह सॉल्व करते हैं। और डैम्पिंग जो है एग्जांपल भी दिया जाता है, जैसे एनसीआर सर्किट है उसमें रेजोनेंस लिया जाता है, डैम्पिंग की कंडीशन दिखाई जाती है, तो उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे कि किस तरह से उनको हम रिजॉल्व करते हैं या उसको सॉल्व करके अध्ययन करते हैं। तो डैम्पिंग के साथ साथ जो है यहाँ डिस्कशन होता है, डैम्पिंग को आपने अभी जो नाम दिया अवमंदित और प्ररोधित दोलन होता है फोर्स्ड ऑसिलेशन, तीसरे नंबर पर आप देख सकते हैं फोर्स्ड ऑसिलेशन, फोर्स्ड ऑसिलेशन। तो इस तरह से जो है प्ररोधित जो बल है तो ये क्या करता है, हेल्प करता है। प्ररोधित बल्ब में आप कह सकते हैं कि कोई एक्सटर्नल एजेंसी या सोर्स होगा जो ऑसिलेटरी हो, मतलब स्वयं ऑसिलेट कर रहा हो, एनी एक्सटर्नल ऑसिलेटरी सोर्स हेल्प अगेंस्ट डैम्पिंग, तो फ्रिक्शन के अगेंस्ट वो हेल्प करता है और ऑसिलेट करते हुए अपनी फ्रिक्वेंसी ट्रांसफर करता है ऑसिलेटरी ऑब्जेक्ट को, और जो ऑसिलेटरी ऑब्जेक्ट है फिर वो एक्सटर्नल फ्रिक्वेंसी के प्रभाव से या उसकी आवृत्ति से वह स्वयं कंपन करने लगता है और अपने कंपन को कंटिन्यू बैलेंस बनाए रखता है। तो इस तरह से जो ऑसिलेशन होते हैं उनको आप फोर्स्ड ऑसिलेशन कहते हैं या इनको प्ररोधित दोलन कहा गया है। हिंदी में आप इसको कह सकते हैं कि जब कोई बाय आवर्ती सोर्स, कोई बाय आवर्ती सोर्स अपने बाह्य आवृत्ति के प्रभाव से किसी दोलनकारी वस्तु को दोलन कराता है तो इसे हम प्ररोधित दोलन कहते हैं। तो प्ररोधित दोलन में आप जो इक्वेशन लिखते हैं नेट फोर्स का, वो इस तरह से शो कर दिया जाता है, माइनस बी वी माइनस के एस प्लस एफ नॉट साइन ओमेगा टी, ये खुद इसको ऐड करके बैलेंस करा दिया जाता है जो इसके अपोजिशन को क्लोज कर देता है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर फोर्स ऑसिलेशन को रीड किया, देखा कि किस तरह से ये फोर्स ऑसिलेशन को बैलेंस कर रहा है और क्या कंडीशन दिया गया कि कोई आवर्ती स्रोत है उसका भी ऑसिलेशन यहाँ पर लिया गया है। इनके उदाहरण आपको दिए जाते हैं, जैसे अल्टरनेट करंट जो है ऑसिलेट करता है साइन की तरह से, तो अल्टरनेट करंट की सहायता से किसी म्यूजिकल सिस्टम को ऑसिलेट कराया जाए, या आप मेल्डी एक्सपेरिमेंट ले सकते हैं या इस तरह का कोई एक्सपेरिमेंट जो अल्टरनेट सोर्स पर ऑसिलेट कराया जाता है, तो वो आपका उदाहरण होगा। लास्ट में आपने कहा मेंटेन या पोषित कंपन, मेंटेन ऑसिलेशन या पोषित कंपन,
इस पर कोई डिस्कशन किया जाता है तो आप कह सकते हैं कि अनावर्ती स्रोत, यहाँ पर कोई जरूरी नहीं है कि वो पीरियाडिक हो, तो यहाँ पर एक शब्द जोड़ दिया गया, किसी बाह्य अनावर्ती स्रोत द्वारा किसी वस्तु के कंपन को उसके स्वाभाविक आवृत्ति को बनाए रखा जाता है सप्लाई करके एनर्जी द्वारा, तो ऐसे दोलन जो है पोषित दोलन कहलाते हैं। वैसे भी हम लोग पोषित शब्द का प्रयोग कहाँ पर करते हैं यह आपको जानकारी है, पोषित जहाँ पर जो है संरक्षण किया जाए, जैसे बालक या बच्चे को पोषित कराया जाता है, तो सारी जो है बाहर से जो उसके स्वाभाविक या जो नेचुरल उसकी डिमांड है उसको ध्यान में रखते हुए उसको सप्लाई कराई जाती है, दी जाती है, वो आपके संरक्षण में होता है, लेकिन क्रियाकलाप उसका अपना नेचुरल होना चाहिए, स्वाभाविक होना चाहिए, अर्थात उस पर कोई एक्सटर्नल अतिरिक्त प्रेशर या दबाव नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है कहा जा सकता है किसी बाह्य अनावर्ती स्रोत द्वारा किसी वस्तु के दोलन की स्वाभाविक आवृत्ति को अनवरत मतलब सतत बनाए रखा जाता है तो उसे हम पोषित दोलन कहते हैं। इस तरह से पोषित दोलन का यहाँ पर डिस्कशन किया जाता है और उसका आप अध्ययन करते हैं। हम इसमें बहुत सारे कंडीशंस और भी हैं, जैसे अनुनादक है, रेजोनेंस क्या होता है या रेजोनेंस की घटना किसे कहते हैं, तो इनको भी आपको पढ़ना चाहिए, इनका अध्ययन करना चाहिए। तो रेजोनेंस में हम चर्चा करते हैं अनुनादक की, और अनुनाद किसे कहते हैं, व्हाट इज रेजोनेंस। तो उसमें कहा गया कि जब किसी बाह्य आवर्ती स्रोत के कंपन की आवृत्ति उसके प्रभाव में कंपन करने वाले वस्तु की आवृत्ति के बराबर हो जाती है तो इस अवस्था को अनुनाद कहते हैं, और जो आवृत्ति प्राप्त होती है उसे अनुनादित आवृत्ति कहते हैं। अनुनादित आवृत्ति पर या अनुनाद की अवस्था में कंपन का आयाम बढ़ जाता है, अधिकतम हो जाता है, अर्थात अनुनाद एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें अनुनाद करने वाली वस्तु और बाह्य आवर्ती स्रोत की वस्तु की आवृत्तियाँ बराबर हो जाते हैं और जो रिजल्टेंट है एम्पलीट्यूड वो मैक्सिमम पाया जाता है या जो साउंड है वो अधिकतम प्राप्त होती है, ध्वनि की तीव्रता बढ़ जाती है। तो अनुनाद में अनुनादक इसका उदाहरण रेजोनेटर दिया जाता है। वैसे रेजोनेंस की कंडीशन में हम मैकेनिकल रेजोनेंस की भी बात करते हैं और मैकेनिकल के साथ साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेजोनेंस की बात करते हैं, साउंड रेजोनेंस की भी बात जिसमें आती है, और रेडियो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेजोनेंस में रेडियो ट्यूनिंग पर भी उदाहरण दिए जाते हैं या एलसी ऑसिलेटर के भी उदाहरण दिए जाते हैं। तो इस तरह से हम इस टॉपिक पर कुछ डिस्कशन किए, इसके कुछ प्रॉब्लम बताकर इस चैप्टर क्लोज किया जाएगा। इसके बाद आपको इसमें सरफेस टेंशन और फ्लो ऑफ लिक्विड पर कुछ सिस्टम दिए जाएंगे, इसको कंटिन्यू हम फिर वेव्स पर लेकर और फिर हीट स्टार्ट करेंगे। तब तक आप इसको पढ़ते रहिए।